नमस्कार सभी को, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका डिज्नी हार्ड क्रिकेटर चैनल में। तो आज हम करेंगे हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आपके 30 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाया है, सारे क्वेश्चन आपके जो रिसेंटली भी टीचिंग एग्जाम्स हुई हैं उनमें से लिए हैं। काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग देखना है कि आप कितनी जल्दी इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप 2x की स्पीड में देख सकते हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। और ये 100% गारंटी है कि आप इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको लगेगा आपको कि बहुत ही अच्छे लेवल के आपने क्वेश्चन किए हैं और आपको एकदम एग्जाम वाली एक फीलिंग जो आती है वो आपको ज़रूर आएगी। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप अपने जो स्कोर है वो ज़रूर शेयर करें। और मैं आशा करूँगी कि आप लोग 30 क्वेश्चंस जो होंगे उनमें 25+ तो आप स्कोर करेंगे ही, क्योंकि हिंदी में आपको इतना तो करना ही है। अगर आप हिंदी में भी इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है जितना हो सके। तो अगर 20 क्वेश्चन आपको डीट वेस में मिलने वाले हैं तो आपको 18 से 19 क्वेश्चन तो आपको एकदम एग्जैक्टली बस देखते ही आने चाहिए और कम से कम टाइम लगना चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। बता रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग आपको पेपर कोई इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये जो रस होते हैं उनमें करुण रस जो है उसमें स्थायी भाव कौन सा होता है वो आपको बताना है। तो करुण रस में क्या भाव होता है, एक कह सकते हैं जहाँ पर दुख होता है वहाँ पर करुणा का जो एक भाव आता है, मतलब शोक, तो इसमें क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। और एक श्रृंगार रस जो होता है उसमें क्या स्थायी भाव क्या होता है, रति का भाव होता है, वो भी आप ध्यान रखें, रति। नेक्स्ट है चाय किस शब्द का किस भाषा का शब्द है। तो चाय जो है वो किस भाषा का शब्द है, आपने आंसर कर लिया होगा, तो इसका आंसर जो है चीनी। हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, अगर उनको क्वेश्चन में समझना होगा तो मैं ज़रूर समझा दूंगी कोई भी जो टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ में कुछ रूल है। तो मनमाना में कौन सा समास है, तो जल्दी से इसका उसको तोड़ दीजिए शब्द को। मनमाना मतलब मन से, माना से क्या आ रहा है, इसका एक कारक विभक्ति चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, तो अव्यभाव बिल्कुल नहीं होगा, ना ही कर्मधारय, ना भवीरी, ना व्यभाव। से मतलब जहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि कारक चिन्ह, तो वो किस में आते हैं, तत्पुरुष के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है तो मीनाक्षी, मीनाक्षी का पर्यायवाची है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया है। मीनाक्षी का जो पर्यायवाची होता है वो होता है एक मीनाक्षी सुंदरम नाम से एक मंदिर भी है आई थिंक तमिलनाडु में जो है। तो ये जो मीनाक्षी है वो पर्यायवाची है माँ दुर्गा का, या फिर कह सकते हैं माँ पार्वती का, जो ये मीनाक्षी एक पर्यायवाची है। तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची भी आपको मैंने लिस्ट दी थी, उनमें एक मीनाक्षी भी था, तो आप देख सकते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं हिंदी की वो तो आप ज़रूर करके जाइए, आराम से 2x की स्पीड में आप देखिए, सारे क्वेश्चंस आप लगा पा रहे होंगे और सारे क्वेश्चन जो है पेपर से मैंने लिए हैं। नेक्स्ट है जंगल का पर्यायवाची है, तो जंगल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा, प्रमोद, विश्रांति, कांतार और देव, दीव। तो कांतार जो क्या होता है वो जंगल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो माँ सरस्वती का इनमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है, वीणा, पाणी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो वीणा पाणी भी जो होता है महाश्वेता होता है भारती होता है, पद्मा जो है वो माँ सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान रखिए आप कि माँ श्वेता भी जो है, माँ भारती भी जो है, और वीणा पाणी भी जो सरस्वती का पर्यायवाची होते हैं, जबकि पद्मा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल शब्द कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए शब्द कौन सा है, तो उसको कहते हैं अंतेवासी। किसको, उसको क्या कहते हैं, अंतेवासी, उसको कहते हैं अंतेवासी, ध्यान रखें। नेक्स्ट है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो चौपाई का जो प्रत्येक चरण होता है तो उसमें होती है 16 मात्राएं, आप आंसर कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन को देखते ही ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के जो उपन्यासकार है, ज़रूरी नहीं है कि आपके इस तरह के क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आप आए तो भी आप कुछ ध्यान रख सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये उपन्यासकार जो है आदर्शोन्मुखी और यथार्थवादी के जो रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये अनलिमिटेड बार क्वेश्चन आ चुका है, आई थिंक ये जब तक ये हिंदी के एग्जाम जहाँ पर होगी उसमें आता ही रहेगा, ये पीआरटी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। हर बार कोई भी एक ऐसी एग्जाम नहीं होती है जिसमें कवित्री का जो एक सही शुद्ध रूप देखने को नहीं मिलता है, या फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका कवित्री का जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो, तो उसका आप रट लीजिए, अपना वॉलपेपर लगा लीजिए कवित्री का लिखा हुआ, ये 100% आपको देखने को मिल सकता है। ये तो है कवित्री जो है इसका स्त्रीलिंग रूप होता है, जरूर ध्यान रखें कवित्री।
नेक्स्ट है तो निम्न में से कौन सी जो दलित आत्मकथा नहीं है, तो थोड़ी ये अलग है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आंसर जो आने वाले हैं, तो ये थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी इसमें आप देखेंगे तो जो ऑप्शन है कि तिरस्कृत या फिर अपने अपने पिंजरे, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको पूछे जाए नहीं पूछे जाए, वो बात अलग है, लेकिन आप इन क्वेश्चन से जरूर अवेयर रहें, एक बार ऑप्शन को भी आप देखें कौन सा हो सकता है, जैसे अभी बात करें अपने पिंजरे में भी हो सकता है कि दलित के बारे में बात की जा रही है, झूठन में भी तिरस्कृत, लेकिन असफलताओं में जरूरी नहीं है कि एक दलित की भी असफलता हो सकती है, किसी अमीर इंसान की हो सकती है, तो इसका मतलब है कि ये हो सकती है, तो इसका मतलब इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि आप कुछ क्वेश्चन को तो ऑप्शन से भी कर पाए, जरूरी है कि आपने ये सारी जो बुक्स जो भी है आपने पढ़ी हो, लेकिन नहीं आपको ऑप्शन से भी देखना है कि कौन से ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो मैं जैसे ये मैंने कट कर दिया, सेकंड मैंने कट कर दिया, थर्ड मैंने कट कर दिया, ऑप्शन जो बताया वैसे राइट हो जाएगा, तो इस तरीके से भी आपको अपना दिमाग लगाना है आंसर देना है। नेक्स्ट है पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा। अब आपको एक बार विशेषण और संज्ञा के बारे में काफी बार बता चुकी हूँ, पहले सारे काफी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब एक बार देखिए पुस्तकालय, पुस्तकालय क्या है, एक स्थान है जगह है जहां पर हम जाके बैठ सकते हैं पढ़ सकते हैं, पुस्तकालय क्या हो गया एक संज्ञा हो गई विशेषण नहीं है, पुस्तकें पुस्तकें दवाई बहुवचन रूप है, ये भी एक कह सकते हैं हम संज्ञा का ही है, पुस्तकों पुस्तकों का भी हम कह नहीं सकते, पुस्तकों का ज्ञान या फिर पुस्तकें नहीं है, लेकिन हम विशेषण हम बनाएंगे तो जैसे किस तरीके से बनाएंगे, आपको वाक्य में प्रयोग करना है, कोई ज्ञान है, अब हम बोलते हैं कि इसको तो केवल पुस्तकीय ज्ञान है, मतलब उसको तो खाली जिसने किताब में पढ़ की ज्ञान लिया, लेकिन ज्ञान की क्या विशेषता बता रहे हैं कि उसका ज्ञान जो है वो किस प्रकार का है, वो पुस्तकीय है कि पुस्तक पर ही बेस्ड है, तो उसका मतलब है कि जो पुस्तकीय बनेगा पुस्तक से वो इसका क्या हो जाता है विशेषण हो जाता है, कोई भी आपको चीज़ पूछे कि भाई विशेषण है या फिर संज्ञा है तो उसका आप इसमें वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए है कि जैसे आपको पूछ लिया है कि सुंदर क्या है, सुंदर विशेषण है या फिर वो संज्ञा है, तो अब देखिए कि वह लड़की सुंदर है, तो वह लड़की कैसी है, कैसी उसकी विशेषता क्या आ रही है, सुंदर है, अब मैं बोलूँ सुंदरता क्या है, सुंदरता वह लड़की सुंदरता है, तो ऐसा नहीं आ रहा, सुंदरता इसमें कोई भी विशेषता नहीं बता रही, सुंदरता एक चीज है, तो वो क्या है एक भाववाचक संज्ञा है, भाव है, तो सुंदरता क्या है एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जो सुंदर है वो क्या है विशेषण है, तो आपको वाक्य में प्रयोग देख करके देखना है, जातिवाचक सॉरी एक सेकंड, जो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे कि वो चीज़ क्या बोली जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे पाएंगे कि भाई ये स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा, तो आप देखेंगे दही दही क्या है पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, तो आप दही खट्टा है इसका मतलब है कि ये पुल्लिंग है, तो उस तरीके से आपको देखना है कि वाक्य में प्रयोग करके अगर आप देखेंगे तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे जाति शब्द है, जाति शब्द का पूछ ले कि जाति शब्द जो होता है वो किस में आएगा, पुल्लिंग है या फिर क्या है, अब जाति भाई किस किस में आएगा, तो आप क्या पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है या फिर तुम्हारा जाति क्या है, हम पूछते हैं तुम्हारी जाति, इसका मतलब है कि ये क्या है स्त्रीलिंग है, इस तरीके से आप वाक्य में किसी में प्रयोग करके देखिए फिर वर्ड ऐड करके देखिए तो आप आंसर दे पाएंगे। अब है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न आपके पूछा जा सकता है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है, रट लीजिए। पुरस्कार में कौन सी संधि है, पुरस्कार में जो संधि है इसको तोड़ दीजिए तो इसका क्या हो जाएगा पुरह प्लस कार, पुरह प्लस कार, तो फिर ये बाद में जो पुरह है तो ये जो विसर्ग होगा वो सै में बदल जाएगा और कार का कार रहेगा, पुरह प्लस कार क्या हो जाएगा पुरस्कार, तो इसमें क्या हो जाएगी विसर्ग संधि। अमित, नेक्स्ट है अमित का आपको विलोम शब्द बताना है अमित, अब अमित में कुमित देख लिया दुमित देख लिया तो ये तो हो ही नहीं सकता, अब आप दो चीजें देख रहे हैं कि सुमित होगा परिमित होगा, अब आप देखिए सुमित और अमित, अमित मतलब जो मिटने वाला नहीं है वो क्या होगा अमित, भाई अमित भी किसी का नाम तो होता है, अब अगर इसका विलोम होगा तो एक नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव तो किसी का, सुमित भी किसी का नाम होता है तो इसका मतलब है कि सुमित तो हो ही नहीं सके क्योंकि वो भी नाम होता ही है, नेगेटिव मीनिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब अमित का जो हम पर्यायवाची सॉरी ये विलोम शब्द लिखेंगे वो क्या लिखेंगे परिमित, तो अमित का जो ये इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है बहुत अच्छी लेवल की जो फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है पीजीटी लेवल में भी आ चुका है अमित का विलोम शब्द, तो उसको जरूर ध्यान रखें आप कि अमित का जो विलोम होता है वो होता है परिमित।
तो अब आपको कुछ क्वेश्चंस ब्लैक स्क्रीन पे दिखेंगे क्योंकि इनके जो आंसर है थोड़े रेड और ग्रीन में थे, इसलिए आपको पता चल पा रहा था, इसलिए मैंने पीछे की स्क्रीन जो है ब्लैक कर दी है। तो अभी देखते हैं, संध्या के पर्यायवाची नहीं है वो बताना आपको, तो इसमें कौन कौन से संध्या के पर्यायवाची है, कौन सा नहीं है वो आपको चूज करना है। तो सांच और शाम, शाम तो जो है कह सकते हैं है, तो ये तो सही, ये तो नहीं होगा, आई मीन ये तो है, जो पर्यायवाची है वो तो होंगे, लेकिन इसमें ढूंढना है कि कौन सा नहीं है वो देखेंगे पहले। प्रदोष काल, सायंकाल भी जो संज्ञा संध्या जो पर्यायवाची हैं वो होते हैं, और कह सकते हैं दिनांत और गोधूलि भी होते हैं, लेकिन तिमिर और विभावरी जो है वो संध्या के नाम कर किसके होते हैं, वो होते हैं रात के पर्यायवाची होते हैं। इसका मतलब आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो गया, जबकि वो तीन जो बचे हैं इनको भी आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये संध्या के पर्यायवाची हैं और ये वाला नहीं है। नेक्स्ट है, दरिद्र रंक अकिंचन किसके पर्यायवाची हैं वो आपको बताना है, तो तुच्छ प्रजाहीन या फिर गरीब के, तो दरिद्र मतलब इसके पर्यायवाची किसके हैं, गरीब के हैं, ध्यान रखें। यण संधि के उदाहरण नहीं है, तो यण संधि के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लेकिन वो ट्रिक इस पे यूज नहीं हो रही क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। जैसे अभी यण संधि का उदाहरण नहीं है तो इसका मतलब आपको चूज करना है कि कौन सा नहीं है। पहला देखिए पर्यावरण, पर्यावरण में तो क्या है आपको, ये के पहले क्या है आधा रह या फिर आधी, कोई भी जो ये और वैसे पहले हमें, यण संधि की पहचान हम किस तरीके से करते हैं, ये और वैसे पहले हमें जो आधा कोई भी जो व्यंजन है वो दिखना चाहिए, या फिर कह सकते हैं। तो पर्यावरण में क्या है, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण है, इसका मतलब परि में हमने क्या लिया, ई लिया था, परि प्लस आवरण, इसका मतलब इसका ई है इसका ए है, और ई और ए बन के, ई प्लस ए बन के क्या बन जाता है, ये, और र का क्या हो जाता है, आधा र हो जाएगा। इसका मतलब ई का ए हो जाता है, अगर आप ही ऊ होता उसके बाद ए समान स्वर होता उसका क्या हो जाएगा, ऊ का वह हो जाता, इसलिए ये क्या बन गया, पर्यावरण। इसका मतलब है पर्यावरण में तो क्या है, यण संधि है। अब देखिए शिशु, पहले ऑप्शन पूरा देख लीजिए, अब पर्याप्त है, फिर विश्व एक के है, तो इसमें भी आपको ये के पहले आधा रह दिख रहा है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो इसका मतलब आप करेंगे ताकि क्या करें, परि प्लस पर्याप्त में क्या होता है, पर्याप्त, परि प्लस आप क्या हो जाएगा, पर्याप्त विश्व एक के, और आप शिशु एक के में कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, इसमें दोनों में ही वैसे पहले आधा शब्द है, तब क्या करें। अब आप सबसे पहले देखिए शिशु, शिशु एक के क्या क्या होता है, शिशु प्लस शिशुधन एक के, शिशुधन एक के, शिशु में क्या है, ऊ है, ऊ के बाद आपको असमान स्वर ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें तो क्या है, शिशु एक के बन गया ये, इसका मतलब वह बन गया, वैसे पहले आधा अक्षर, इसका मतलब है ये तो यण संधि का उदाहरण है, लेकिन विश्व एक के में क्या है, विश्व धन एक के है, ये विश्व धन एक के है, इसका मतलब है ये जो विश्व एक के बना है वो किस तरीके से बना है, विश्व में ए अगर जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, विश्व एक के, और जबकि ये उदाहरण है वृद्धि संधि का, इसका मतलब है जो विश्व एक के है वो किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, जैसे नूतन का विलोम आपको बताना है, तो पुरातन, प्राचीन, नवीन या फिर अधुनातन, तो पुरा नूतन का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, पुरातन, क्योंकि नवीन तो क्या है इसका सिमिलर या फिर पर्यायवाची कह सकते हैं वो है। नेक्स्ट है, अनुभूत का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, अननुकूल, विभूत, प्रतिभूत या फिर अननुभूत, तो अनुभूत का जो प्रतिकूल सॉरी विलोम होता है वो क्या होता है, प्रतिभूत, अनुभूत का प्रतिभूत होगा इसका राइट आंसर। एक सेकेंड, यहाँ पे प्रतिभूत मतलब प्रतिकूल ना हो के ये अनुभूत की बात की जा रही, तो अनुभूत में जो इसका विलोम जो होता है वो अन अनुभूत होता है, अन अनुभूत, जो अनुभूत नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा अन अनुभूत, जबकि जो अनुकूल होता है उसका होता है प्रतिकूल, ये ध्यान रखें। तो अनुभूत का भी जो विलोम शब्द होगा वो क्या गया, अन अनुभूत होगा, किसका, अनुभूत का विलोम शब्द, फोर्थ ऑप्शन का राइट आंसर है।
मधु का अर्थ है लड़की, शहद, खीर या फिर कड़वा। तो मधु का क्या होता है? शहद। आपको बताना है कि चौमासा में कौन सा समास होता है, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो आपको क्या देखना है, द्विगु समास में क्या होता है, सबसे पहले कि उसमें आपको एक संख्यावाची शब्द मिलता है। चौमासा में चार चीज आपको दिखाई दे रही है कि चार मास में चार माह, चौमासा। ठीक है, तो चौमासा में आपको देखना है कि जो ये चौ में क्या संख्यावाची शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब चौमासा में क्या हो जाएगा, द्विगु समास में हो जाएगा। अव्ययभाव में आपने देखा होगा, अव्ययभाव में जो प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, फिर उपसर्ग होता है, उसको क्या कहते हैं हम, अव्ययभाव समास। जो बे से जुड़े हुए शब्द होते हैं वो भी किस में आते हैं, अव्ययभाव समास में आते हैं, क्योंकि बे भी एक उपसर्ग है, जैसे बेशर्म। और द्वंद्व समास में आपने देखा होगा, दोनों शब्द या तो अपोजिट होंगे, जैसे धर्म, धर्मा, धर्म मतलब धर्म और अधर्म, माता और पिता, इस तरीके से शब्दों में जो क्या होती है, द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या कह सकते हैं, विभक्ति से जुड़े हुए जो भी शब्द होते हैं उनमें क्या होता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे कह सकते हैं जो तत्पुरुष के लिए आती हैं, जैसे अभी हमने कुछ शब्द किए थे, जैसे राजपुरुष, तो क्या हो गया, राजा, राजा का पुरुष। न्यायिक शब्द का सही विश्लेषण है, न्यायिक का सही विश्लेषण आप क्या करेंगे, न्याय प्लस एक न्याय, न्याय प्लस एक न्याय प्लस एक या फिर न्याय प्लस एक। ध्यान रखिए, एक का जब भी हम प्रयोग करते हैं प्रत्यय के रूप में, तो जो प्रथम जो वर्ण होता है उसमें एक स्वर की मात्रा जो है बढ़ जाती है, या फिर इसमें थोड़ा कुछ बदलाव आ जाता है। तो न्याय में जो ये बड़ा है, तो न्याय प्लस एक क्या होगा, इसका एक सही विश्लेषण होगा। न्याय प्लस एक को हम क्या बनाएंगे, न्यायिक। तो डिस्काउंट का सही अर्थ क्या होगा, भट्टा, बत्ता, बत्ता या फिर चट्टा, लट्टा। तो डिस्काउंट का होता है भट्टा अर्थ होता है इसका। नेक्स्ट है, वाक्य के जिस अंग में क्रिया कर्म आदि होते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेष्य, उपवाक्य, उद्देश्य, विधेय। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वाक्य में उद्देश्य किसको कहते हैं, जिसमें खाली कर्ता होता है या फिर कर्ता का विस्तार होता है, वो किस में आएंगे, विधेय के अंदर आते हैं। लेकिन जो क्रिया और कर्म की बात होती है वो किस में आता है, वो विधेय में आता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, इलेक्टोरेट का सही हिंदी अर्थ है, जरूरी नहीं है कि आप किस इस तरह के क्वेश्चन आए तो इस पेपर में आ रखे हैं, तो फिर भी आप ध्यान रखें। तो इसका इलेक्टोरेट का मतलब होता है निर्वाचक मंडल। अब जिस शब्द में कौन सी संधि है तो आपको बताना है, अब जिस में कौन सी संधि होगी, यण संधि, विसर्ग संधि, यादि संधि या फिर व्यंजन संधि। तो अब जिस में क्या कहेंगे, इसको तोड़ेंगे तो अप प्लस जय, तो क्या इसमें क्या हो जाएगी, संधि जो है इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। तो आधा पै इसमें हम करेंगे अप, आधा पै है, आधा पै का मतलब होता है ये किसमें आएगी, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी, तो इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट है उच्च श्वास, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, श्वास, श्वसन, निश्वास या फिर प्रश्वास, इसका आपको आंसर जो है बताना है। तो इसमें जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा निश्वास। तो इसमें थोड़ा पीडीएफ में वर्किंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा है नेक्स्ट, इसलिए हम इसको सीधा व्हाइट पे ही देखेंगे बैकग्राउंड में। नेक्स्ट है, अबला, ललनात ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये किसके हैं, नारी के हैं। नेक्स्ट जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, अहर्ता का विलोम है, तो अहर्ता का विलोम क्या हो जाएगा, अनहर्ता। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन। तो जो भी आपका स्कोर रहा है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं इनको। और इसके अलावा आपने अगर हिंदी की सीरीज़ जो नहीं देखी है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो उनको आप ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, या फिर जो भी आप अगर किसी क्वेश्चन पेपर अपने ऑफलाइन अगर देख रहे हैं बुक के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आपको हेल्प करेंगे जल्दी से क्वेश्चन पढ़ने में, उसका आंसर तक जाने में, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।